पंजाब में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का मामला, वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर एक नाम पर मुत्तफिक ना हो सके। गवर्नर पंजाब ने निगरान वज़ीर आला का मामला पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया। पार्लियामेंट्री कमेटी 3 दिन में निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकर्रुर करेगी। हुकूमती इत्तेहाद ने मेमरान के नाम स्पीकर को भिजवा दिए। मियां असलम इकबाल, राजा बिशारत और हाशिम जवान बख्त के नाम शामिल। हुकूमती इत्तेहाद के मेमरान की सरबराही मियां असलम इकबाल करेंगे। नून लीग ने निगरान वज़ीर आला के लिए जो नाम दिए वो मजाक है। पीटीआई ने संजीदा नाम दिए हैं, इन पर इत्तफाक होना चाहिए। नासिर खोसा से अपील है वो अपना फैसला तब्दील करें। मुस्लिम लीग नून के बहुत से अरकान हमसे राबते में हैं। कौमी असम्बली में जाने का फैसला अभी नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत गिराने का अमल चंद हफ्ते में मुकम्मल कर लेंगे। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे को मुस्तरद करते हैं रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत का पीटीआई को सरप्राइज, स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के 35 अरकिन के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने 35 अरकिन को डीनोटिफाई कर दिया। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले एमएलए हमाद असर शफकत महमूद के भी इस्तीफे मंजूर। इस्तीफे मंजूर करने हैं तो सबके करें। वज़ीर आज़म को कहा कि इत्तेमाद का वोट लें तो वो काम गए हैं। तहरीक इंसाफ ने बड़े मकसद के लिए पंजाब असम्बली की कुर्बानी दी। पीडीएम के वहां सरकार हमसे राबते में हैं। रहनुमा पीटीआई शाहमुल कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। वफाकी हुकूमत ने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी। कौम मुश्किल में है और शहबाज शरीफ दुनिया की सैरें कर रहा है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का 130 के यूसी 70 का दौरा। घर घर जाकर सेहत सुनतकार से मुतालिक आगाही पंपलेट्स तकसीम किए। और पंजाब हुकूमत टीपा पर मेहरबान, 4 साल से बंद टीपा के अर्बन डेवलपमेंट विंग को पेडेस्ट्रियन पुलों की जिम्मेदारी दे दी। टीपा को 5 मुकामात पर पैदल चलने वालों की सहूलियत के लिए पुल बनाने का मंसूबा तफवीज कर दिया गया।